हेलो गाइस, मैंने आपको लास्ट वीडियो में मेरी डायरी का पार्ट वन बताया था। सो आज मैं आपको मेरी डायरी का पार्ट टू बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ये मेरी डायरी का फर्स्ट पेज है जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही होगा। सो हम पार्ट टू की तरफ चलते हैं। This is a part one. And now this the part two. So let's start. ये मैंने ऐसे ही डेकोरेट किया है। आप भी अपनी डायरी में ऐसे ही डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी क्यूट बचपन की फ़ोटो चिपकाई है और यहाँ पे मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ नोट्स लिखे हैं ऐसे पॉकेट बना के। आप भी अपनी फैमिली के लिए ऐसे नोट्स लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे डेकोरेट करके यहाँ पे यू आर बेस्ट लिखा है अपनी मॉम के लिए, आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कारण भी लिखा है, आप क्यों हो मेरे लिए बेस्ट। सो मैंने ऐसे डेकोरेट करके प्रीशियस मेमोरी लिख के अपनी थिंग्स जो पॉजिटिव थिंग्स है वो लिखी है। और यहाँ पे मैंने अपनी डायरी में बी पॉजिटिव लिखा है। हमारी लाइफ में भी हमें बी पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मैंने अपनी डायरी में बी पॉजिटिव लिखा है। और यहाँ पे मैंने ऐसे पॉकेट बना के ये स्माइलीज ऐसे बनाई है। एंड यहाँ पे प्रीशियस मेमोरी लिख के मैंने ऐसे डेकोरेट करके खुशी इज़ अ वेरी बिग गर्ल लिखा है। और यहाँ पे इमोजी भी चिपका है। और यहाँ पे ऐसे ही डेकोरेट किया है मैंने। और अब जी मतलब आप देख ही सकते हैं क्या क्या मैंने लिखा है। और यहाँ पे मैंने पॉकेट बनाया है और उसमें अपनी नोट्स लिखी है, माय लविंगली चिट्स है। और आप बकेट लिस्ट भी बना सकते हैं। सो मैंने पॉकेट बनाया है तो आप बकेट लिस्ट भी बना सकते हैं जैसे कि मैंने अब कहा। सो मैंने पॉकेट बनाया है। ओके यहाँ पे मैंने एक हार्ट कट करके चिपकाया है, लव ऑफ मम्मी मौसी एंड डैडी लिखा है। एंड यहाँ पे मैंने फ्लावर और मंडाला आर्ट बनाया है। सो आप भी अपनी डायरी में ऐसी आपकी जो मनपसंद ड्राइंग है उसमें मंडाला आर्ट बना सकते हैं। और यहाँ पे मेरी फीलिंग्स मैंने लिखी है। और ये मैंने क्यूट प्रिंसेस बनाई है। यहाँ पे मैंने लिखा है आई एम आर ऑल्सो प्रिंसेस सो लव यू, यानी कि ये मैं ही हूँ। और यहाँ पे मैंने लव के बारे में कुछ लिखा है और डेकोरेट भी किया है। और यहाँ पे मैंने पॉजिटिवली नोट्स लिखी है, आप देख ही सकते हैं पॉजिटिवली नोट्स। और यहाँ पे मैंने कुछ अपनी मुझे पसंद आई तो मैंने थिंक लिखी है। और ये मैंने कुछ अपने बारे में लिखा है। सो आप भी अपनी डायरी में कुछ अपने बारे में या फिर कुछ अपने मॉम या फिर किसी के भी बारे में लिख सकता है। और यहाँ पे मैंने एकदम सिंपल डेकोरेशन किया, आप देख सकते हैं एकदम एक ही बार भी लगाई है ताकि सब मैंने ऑल डेकोरेशंस किए, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं सिंपल डेकोरेशन करूँ। और ये पे यहाँ पे मैंने अपनी कुछ बातें लिखी है। सो और यहाँ पे ऐसे किया है। और यहाँ पे ऐसे डेकोरेट करके मदर के बारे में लिखा है मैंने। सो दिस इज़ माई डायरी, यानी कि पार्ट टू का लास्ट पेज है।
आशा करती हूँ कि आपको मेरा डायरी का पार्ट टू अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, लाइक आपने नहीं किया है, सो प्लीज़ इस वाले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।